आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो वहीं आज देश का आम बजट भी पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की है। क्या सत्ता हुआ, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, बजट में गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं को आखिर क्या कुछ मिला है और क्या कुछ रहा है इस पूरे बजट में, देखने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हर बजट इतिहास में दर्ज होने वाला रहा है। कभी किसी परंपरा में बदलाव के साथ उनके बजट ने इतिहास लिखा, तो कभी उन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2022 पेश कर दिया है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। आम बजट में आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास की उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। हालांकि कॉर्पोरेट कर में राहत दी गई है, साथ ही क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% का टैक्स लगाने का भी प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। बजट 2022-23 की बात करें तो आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन बजट में किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं और रोजगार पर खासा फोकस किया गया है। साथ ही बजट को भारत की 25 साल की बुनियाद भी बताया गया है। राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश आचार व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने संवाददाता से बजट पर बात करते हुए बताया कि इस बार का बजट निराशाजनक है। बजट से व्यापारियों और उद्यमियों को निराशा हुई है। ये आपने शुरू में ही ऐसा प्रश्न पूछ लिया। इस बजट से हम लोग आज खुश नहीं, नाखुश हैं, और इस बजट ने घनघोर निराशा व्यापारियों को दी है, उद्यमियों को दी है। आज के बजट से हम लोग को बड़ी उम्मीदें थी। हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो ऐसे में वित्त मंत्री जी पिटारा खोलेंगी और हम सभी के लिए, जितने भी क्षेत्र हैं, सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ देंगी। लेकिन अगर व्यापारियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ना कोई पॉलिसी की घोषणा हुई, ना ई कॉमर्स के लिए कोई घोषणा हुई, ना GST को लेकर के कोई बात हुई, ना व्यापारियों के लोन के लिए कोई बात हुई, ना व्यापारियों की सुरक्षा की बात हुई, ना व्यापारियों के स्वास्थ्य बीमा की बात हुई। किसी भी क्षेत्र के लिए कोई बात व्यापारियों के लिए नहीं की गई। साथ ही साथ 2,00,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था MSME सेक्टर के लिए की है, लेकिन उसका भी क्लासिफिकेशन नहीं किया, उसको भी उन्होंने बताया नहीं कैसे उसका होगा। 60,00,000 रोजगार की बात कही है, कैसे देंगे, कब देंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पहले हम लोग इसको देख चुके हैं। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, डिजिटल के क्षेत्र में जो बातें उन्होंने कही हैं वो स्वागत योग्य, अगर वो धरातल पर आएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। हाईवे के लिए और रोपवे उन्होंने जो बात कही है वो कुछ चीज़ें ठीक हैं, हालांकि रोपवे कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन हाईवे जो है ठीक सब्जेक्ट है, उसमें उन्होंने काम की बात कही है। चिकित्सा को लेकर के कुछ उन्होंने अपनी प्लानिंग की है, और चिकित्सा के क्षेत्र में खैर भारत ने अच्छा काम भी किया है, लेकिन व्यापारियों के लिए आज का बजट बिल्कुल जीरो रहा, घनघोर निराशाजनक रहा। वही क्रिप्टो को अब लीगल अथॉरिटी मान ली गई है, लीगल कॉइन हो गया है, अब उसको, उसकी कमाई का 30% हिस्सा सरकार को जाएगा, तो ये कहाँ तक कारगर साबित? इसको भी समझना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी भी अभी तक की एक तो देश में भी अपराध था, और इसमें काफ़ी लोगों का पैसा जा चुका है, डूब चुका है, और सरकार ने आज ये भी उसमें कहा हुआ है कि अगर घाटा भी होगा तब भी आपको टैक्स देना होगा। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात की अनुमान है कि इसमें घाटा भी होगा, तो ऐसे में ये करेंसी कितनी उपयोगी होगी भारत के लिए, ये भी अभी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी ये एक बड़ा सवाल है, और इस करेंसी को पूरा समझना पड़ेगा अभी। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कपड़े, जूते, मोबाइल फ़ोन और उसके तमाम गैजेट्स सस्ते किए जाएंगे, साथ ही साथ ऐसे कई सारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे जहां पे शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब तक 12 बताया जा रहा है, अब उसे 200 की संख्या की जा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? संख्या की जाए तो अच्छी बात है, और आज की आवश्यकता भी इस बात की। हम लोगों ने देखा कोविड कॉल में सभी चीज़ें ऑनलाइन रहीं, तो ये बहुत आवश्यक है, और हम लोगों की आदर्श व्यापार मंडल की सरकार से ये भी मांग है कि जब आप सब क्षेत्रों में ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो व्यापारियों को भी ऑनलाइन कैसे मजबूत करेंगे, हम कब तक अमेजोन के भरोसे रहेंगे और भारत की विदेशी मुद्रा को दूसरे देश में भेजते रहेंगे। अमेजोन जैसी कंपनियों के शिकंजे में भारत का व्यापारी जकड़ता जा रहा है, तो आप व्यापारियों को भी ऑनलाइन लाने के लिए, भारतीय व्यापारियों को ऑनलाइन लाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी एक चिंता की बात है, और ये एक बड़ा प्रश्न है।
अच्छा, वहीं देखा जाए तो पहले मोबाइल फोन या तमाम गैजेट्स कपड़े दुकानों से बिकते थे, मगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आने के बाद वो चीजें अब जो ग्राहक हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद लेते हैं और दुकान तक नहीं पहुंचते हैं। तो इस बार के बजट में कुछ ऐसा देखने को मिला? नहीं, इस बजट में कुछ भी ऐसा नहीं था। यही मैंने कहा कि ई कॉमर्स के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए, लेकिन ई कॉमर्स की पॉलिसी की कोई बात नहीं हुई। ऑनलाइन अब व्यापार करने की एक नई विधा है, इस विधा को अब ना कोई रोक सकता है क्योंकि ये जनता की आवश्यकता बन गई है। लेकिन भारतीय व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान अवसर मिले, समान प्लेटफॉर्म मिले, इसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। मैंने इससे पहले कहा कि अमेजोन के टक्कर पर केंद्र सरकार को देश में एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा ताकि भारत के व्यापारी भी उसकी टक्कर ले सकें और भारत का व्यापार बच सके। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने बजट पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने ना तो बजट में रोजगार पर ध्यान दिया और ना ही महंगाई पर। बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है तो वहीं महंगाई अब चरम पर है। उम्मीद थी कि नौजवानों के रोजगार के लिए सरकार कुछ करेगी, आज महंगाई अपने चरम पर है। कड़वा तेल आज 200 रुपए 250 रुपए लीटर मिल रहा है, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल मिल रहा है। लगातार सरकार कुछ करेगी, सरकार इन चीजों पर मौन नजर आ रही है। आज बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है। आप देख रहे हैं, आप ये बार बार ये बताते तो हैं कि आज बड़ी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लेकिन आज छोटी गाड़ियों के आज छोटी गाड़ियों के मार्केट 50% नीचे जा रही है। सरकार लगातार जुमलेबाजी कर रही है और पूरी तरह बजट आम आदमियों के की जेब से बाहर हो रहा, बजट फेल है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान बजट के सवाल पूछे जाने पर बड़े ही हास्यास्पद अंदाज में कहा कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट मेल ही नहीं किया, इसलिए पढ़ा नहीं। नहीं पढ़े सर, निर्मला जी मेल नहीं की, निर्मला जी मेल नहीं की, पढ़े नहीं है हम। नहीं पढ़े सर, निर्मला जी मेल नहीं की, पढ़े, खबर ही नहीं है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश की है कि देश कैसे आर्थिक तौर पर मजबूत हो। इसके लिए खास ध्यान खेती, सिंचाई, आयात निर्यात, सौर ऊर्जा, एमएसएमई के साथ साथ रोजगार पर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया गया है। केंद्र सरकार इसे अमृत काल का ब्लूप्रिंट बता रही है। प्राइम टीवी के लिए विकास मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।